हेलो भाई, सब कोई हाय बोल के जा रहा है कैमरा को। गजब। ए ब्लॉग वीडियो बनाना। हां चलना। नाम कुछ बोलना है? नहीं, दो फोन है, मैं सब्सक्राइब कर देती हूँ चैनल। नो नहीं। ओके बांग्लादेश लैंड हूँ जस्ट अभी। और सबसे पहली चीज़ तो ये यार, पॉपुलेशन भाई बहुत 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 ही ज़्यादा है। और इस वीडियो का ना यार मैं अगली वीडियो के पार्ट में डालूँगी एज अ फर्स्ट इम्प्रेशन। और भाई एयरपोर्ट नहीं लग रहा है मेरे को, ना रेलवे स्टेशन लग रहा है। एंड आप लोग देख सकते हैं एयरपोर्ट के नज़ारे हैं बाहर से। और सामने ना यार इन्होंने एयरपोर्ट के बाहर ही भाई ठेले लगा रखे हैं जहाँ पे लोग चिप्स वगैरह ये सब बेच रहे हैं। ये एयरपोर्ट के बाहर के नज़ारे हैं जनाब। और अब मैं ट्रांसपोर्ट ढूंढ रही हूँ कि कैसे पहुँचे होटल की तरफ जहाँ पे रुकना है। तो ये सीन है यार फिलहाल कुछ यहाँ पे। तो स्वागत है आप लोगों का बांग्लादेश में। कल मैं ये प्रॉपर व्लॉग बनाऊँगी शुरू से और इसको एक मिनट का बीच में पार्ट डाल दूँगी। यार मेरे को ना बाहर का एयरपोर्ट का नज़ारा देख के शौक लग गया कि मेरे से कैमरा निकालने की ना थोड़ी एक्साइटमेंट होगी। तो इस चक्कर में जनाब बाकी सब बढ़िया। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, स्वागत है आप लोगों का नवी वीडियो में। और अगर आप लोगों का पहली बार है मेरे चैनल पे तो वेलकम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का 5 लाख सब्सक्राइबर्स के लिए, जिसने भी सब्सक्राइब करा है बहुत बहुत धन्यवाद। तो फाइनली यार 500 के सब्सक्राइबर हो गए हैं एंड थैंक यू सो मच अगैन। और यार लास्ट 2-3 महीने मैंने अच्छे से वीडियोस नहीं बनाई हैं और यूट्यूब आई थिंक पूरा ब्रेक पे चला गया था मेरा लास्ट 3 मंथ ऑलमोस्ट सिंस दिसंबर। और जो कुछ 6-7 वीडियो बनाई हैं वो बहुत रैंडम थी। एंड एनीवेज वेलकम बैक। और अभी मैं यार इंडिया से बांग्लादेश की तरफ आई हूँ। तो ये वीडियो बांग्लादेश, अभी मैं ढाका में हूँ, फिल्म कर रही हूँ। एक्चुअली एक तरह से ट्राई कर रही हूँ क्योंकि इतने दिनों से कैमरा नहीं उठाया, यूट्यूब को देखा नहीं, कुछ भी नहीं। तो एक तरह से आदत थोड़ी छूट गई है एंड हल्का सा ना अजीब लग रहा है मेरे को वीडियो बनाने में। बट एनीवेज अभी यार हम ढाका में हैं और ये यार रूम है मेरा जहाँ पर मैं रह रही हूँ। इसका हमें इंडिया का पड़ा है यार 1800 ऑलमोस्ट। तो सीन ऐसा था यार, तो कल मैं ओल्ड ढाका में पैदल चल के होटल ढूंढ रही थी एंड आधे होटल ने ये मना कर दिया कि आप अकेली लड़की हो तो हम आपको रूम नहीं दे सकते। और जो लोग दे रहे थे, मतलब जो इंटरनेशनल थोड़े महंगे वाले थे, वो कह रहे कि हमारे रूम्स फुल हैं। तो वहाँ पर मुझे नहीं मिला। तो ओल्ड ढाका से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर या 2 किलोमीटर दूर आके ये यहाँ पर रूम मिला मुझे। और बाहर से यार कुछ नज़ारे ऐसे दिखते हैं ढाका के, आप लोग देख सकते हैं। और बहुत क्राउडेड सिटी है यार इन बांग्लादेश। इन जनरल बांग्लादेश इज़ वेरी क्राउडेड इफ़ यू डोंट नो। एंड लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट हिस्ट्री। इफ़ सम फॉरनर इज़ वॉचिंग, आई थिंक मोस्ट इंडियन नो अबाउट इट, दैट ड्यूरिंग 1947 इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट सेपरेटेड, दे गॉट इंडिपेंडेंस बोथ कंट्रीज। And in the same way, you know, Bangladesh was also divided and Bangladesh became East Pakistan and Pakistan was like West Pakistan. Bangladesh was part of Pakistan and in 1971 Bangladesh gained its independence from Pakistan. तो दोनों कंट्री के बॉर्डर 1500 किलोमीटर से भी दूर हैं, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के। बट ये दोनों एक ही देश हुआ करते थे किसी टाइम पर। बट अब बांग्लादेश एक सेपरेट मुल्क है जिसको अपनी इंडिपेंडेंस 1971 में मिली। तो एनीवेज यार स्वागत है आप लोगों का नवी वीडियो में। चलिए बाहर बांग्लादेश की सड़कों पे चल के वीडियो फिल्म करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। एंड ये यार मलेरिया के बाद मेरी पहली ट्रैवलिंग है, तो अभी तक सब बहुत अच्छा जा रहा है बांग्लादेश में, बाकी देखते हैं आगे का सफ़र क्या रहता है। तो भाई यार ये वाला होटल है जिसमें मैं रुकी हुई हूँ एंड इसका नाम मैं स्क्रीन पे लिख दूँगी। नाम वैसे वहाँ पे लिखा हुआ है सामने, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो होटल ओरनेट है भाई होटल का नाम। एंड ढाका में भाई 24 घंटे रश रहता है, इतना ज़्यादा क्राउड है ना। आप लोग अभी देखिए, ये नॉर्मल दिन के 3 बज रहे हैं
और भाई भारी भड़कम रश है जनाब। और खाना यूजुअली यार मैं इस होटल में खाती हूँ, बट भीड़ ही बहुत दिख रही है मेरे को इस टाइम। रात को भी मैंने यहाँ पे खाया था लेकिन भीड़ बहुत है अभी, तो समझ नहीं आ रहा करें क्या। बाकी भूख भी बहुत लग रही है, कहीं और चल के देखते हैं। इंडिया को मात दे रखी है क्योंकि एरिया वाइज जो पॉपुलेशन है ना वो बांग्लादेश की इंडिया से भी ज़्यादा है। एंड रिक्शा लेके यार हमें ओल्ड ढाके की तरफ जाना है बाजार। माय फ्रेंड वो बाजार और यहाँ पे यार होटल 71 है, इसकी इतनी बड़ी सी बिल्डिंग है जनाब, तो ये एक तरह से यहाँ का लैंडमार्क भी है। तो बांग्लादेश में जनाब रिक्शे के नज़ारे। एंड एक यार मेरे को वीडियो बनाना बहुत औखा लग रहा है क्योंकि मैंने 3 महीने से वीडियो नहीं बनाई। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरी ना आजकल कोशिश है कि थोड़ी लंबी वीडियो बनाऊँ, एंड मेरे को एक लैपटॉप भी ख़रीदना है, तो वो अगले महीने हम करेंगे अप्रैल में। तो बहुत सारे काम है यार जिन पे ब्रेक लगी हुई है दिसंबर से अभी तक, मतलब मेरी लाइफ इतनी स्लो हो गया मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। बट ये यार बांग्लादेश की सड़कें हैं भाई ढाका की, और ये ऑलमोस्ट यार ओल्ड ढाका के आसपास ही हैं हम, ये पूरा एरिया ही ओल्ड ढाका है। सब लोग अपने काम पे बिजी हैं एंड जैसा आपको दिख रहा है। तो यार यहाँ पे मैं रुकी हूँ जूस के लिए, एंड बिल्कुल इंडिया जैसी वाइब है यहाँ पे। रोड की साइड आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, स्नैक्स वगैरह जूस भी। और इधर यार इन्होंने ना यहाँ पे कुछ आयुर्वेदिक टाइप के ये जो जड़ी बूटी होते हैं उसका बाजार लगा रखा है। ये इसको ये चीज़ दिखी मुझे, इसको ये लोग कह रहे हैं सिरोता, और मैंने पूछा इससे क्या होता है, मुझे लगा नशे की चीज़ है, कहते लेकिन खून साफ करने के लिए है ये, ऐसा बोला इन्होंने मुझे। बट ये देखिए अगर किसी को पता है तो कमेंट में लिखना यार इससे क्या होता है, बट वेरी इंटरेस्टिंग। तरह तरह की अभी जड़ियाँ बूटियाँ हैं, एंड एक दिक्कत यार ये है कुछ भी इंग्लिश में नहीं लिखा हो तो मैं समझ नहीं पा रही क्योंकि सब कुछ बंगाली में लिखा हुआ है। क्या क्या बात है, बोलिए बंगाली है तो क्या है, इससे क्या होता है? ये खून सफा होता है। ओके, खून साफ होता है। हाँ खून साफ होता है। नहीं मैं मेरे को बंगाली नहीं पढ़ना आता। हाँ तो ये इसके लिए के लिए इसको ये पानी में भिगा के रखना होता है, इसका जो पानी है वो फेंकते हो पानी पिए, पानी पीना सुबह पीता रात को भिगा के रखना। धन्यवाद। नहीं नहीं मैं एक ही। हाँ जी आपका आपका नाम? हमारा नाम कुतुबुद्दीन है। ओके अच्छा लगा मिलके। आपका नाम क्या है? गरिमा। गरिमा गरिमा। हाँ जी तो जनाब आ गया है यार जो इसका धंधा कर रहे हैं यहाँ पे, एंड सब बढ़िया। ये हर्बल है, हर्बल है ना? हाँ हर्बल हर्बल है। नहीं दो है ना। तो यार बांग्लादेश का गन्ने का जूस अच्छा है। अच्छा है। गजब ट्रैफिक है जनाब।
आगे तक आप लोग देख सकते हैं। रात को ना यहाँ पे एक सामने इंटरनेशनल होटल है इस तरफ, तो ये वाली रोड मैं क्रॉस कर रही थी एंड यहाँ पे मंदिर दिखा था हमें एक, तो आप लोग देख सकते हैं। ये जैसे जैसे और अंदर जाओगे ना कप्तान बाज़ार का और इंटीरियर एरिया आता जाएगा, तो वो मैं आप लोग को चल के थोड़ी देर में दिखाऊंगी। ऑफकोर्स पहले एक बार मंदिर चल रहे थे। भाई साहब यार कितनी मेहनत वाला काम है जनाब, इतना भारी सामान, इतना सारा, हाय रब्बा। मतलब यार यहाँ के लोग बहुत एक्स्ट्रा हार्ड वर्क कर रहे हैं। एक्सपेक्ट है ना, तो मुझे समझ नहीं आया क्या बोला। एनीवेज तो भाई यार ये मंदिर है, ऐसे एंट्रेंस है आप लोग देख सकते हैं। एंड अभी जो मेन इधर है द्वार वो बंद है, शायद शाम को खुलेगा 5-6 बजे के करीब। एंड इधर यार काली माता की मूर्ति है मेन, जैसे कि बंगाली लोग भाई इनका मेन भगवान गॉडेस होती है जो, वो काली माता होती है। तो काली माता के यार बहुत सारे मंदिर रहते हैं बांग्लादेश वाली साइड या कलकत्ता अपने बंगाल वाली साइड। एंड बिल्कुल यार बाज़ार के ना आखिरी एंड पे ये मंदिर बना हुआ है, ऐसे और भी मंदिर होंगे बट मुझे यही दिखा है। तो सही जनाब, यहाँ से एंट्री की थी हमने। अब यार हम चलते हैं इस तरफ, बताओ बाजार वाली साइड। एंड मैं कोशिश कर रही हूँ यार वीडियो थोड़ी लंबी बने 25 मिनट की, बट मुश्किल ही है वैसे। एंड इस तरफ यार ये लोग धूप बत्ती वगैरह बेच रहे हैं पूजा करने के लिए, यहाँ पे ये पड़ा हुआ है सामान सारा। बढ़िया, तुम्हें बांग्लादेशी हैं, तुम्हें इंडिया या बांग्लादेशी? वहाँ हिंदू मुस्लिम? हाँ ओके यार, मैं बोलते हैं यहाँ पे जितने भी लोग मंदिर में काम कर रहे हैं ना वो सारे बांग्लादेशी हिंदू हैं। भाई अब अंदरूनी सड़कें शुरू हो रही हैं बाज़ार की, और एक चीज़ मैंने आपको पता है क्या डिफरेंस नोटिस करा है, बंगाली लोगों का ना मेन कॉस्ट्यूम होता है साड़ी, बट यहाँ पे आफ्टर मुस्लिम इन्फ्लुएंस ना ज़्यादातर लोग सूट पहन रहे हैं चुन्नी करके, और या अरबिक जो अबाया होता है बुरखा होता है वो पहन रहे हैं। तो मतलब इन लोगों ने अपना कॉस्ट्यूम भी पूरा ऑलमोस्ट चेंज कर लिया है एंड साड़ी बहुत कम देखने को मिलती है, मतलब बहुत कम। और जो मतलब पुराने ज़माने की बंगाली साड़ियाँ होती थी वो थोड़ी एक्सपोजिंग होती थी, लोग ब्लाउज़ वगैरह भी नहीं पहनते थे, वो तो बिल्कुल भी नहीं है अब यहाँ पर। एंड लड़कियों ने ज़्यादा सूट की तरफ या बुरखे में शिफ्ट कर लिया अपने आप को, बट जो लड़कियाँ वो लोग अभी भी लुंगी पहनते हैं भाई, धोती लुंगी। जो आप सामने आंटी को देखिए बुरखा पहना हुआ है, तो एक ये डिफरेंस है जनाब। बाकी अब हम अंदरूनी सड़कों में ढाका की, एंड यहाँ पे यार होलसेल का धंधा भाई बहुत तगड़े लेवल पे चलता है। आई मीन सारी चीज़ें ऑलमोस्ट इंडिया तक जाती हैं, चाइना तक भी जाती हैं। कल मुझे शाम को चाइनीज़ कपल मिले जो यहाँ पे बिजनेस के लिए आ रखे थे, एंड वो भी भाई होटल ढूंढ रहे थे कल। तो ये पूरा होलसेल मार्केट एरिया एंड बहुत पुराना बाज़ार एक्चुअली है, और पूरा आप लोग ओल्ड ढाका की वाइब देख सकते हैं यहाँ पे। एंड जो कलकत्ता से भी यार बहुत सारे इंडियंस हैं ना वो यहाँ पे बिजनेस के लिए आते हैं, तो पूरा मेन एरिया ही बिजनेस एरिया है ये। तो लेकिन यार बहुत रश है, बहुत डूंगी सड़कें हैं, बिल्कुल भी चौड़ी नहीं है।
भाई इतनी मतलब क्रेजी सिचुएशन है। कुछ मिठाइयाँ दिखी हैं, ट्राई करते हैं। कुछ नहीं अंदर जाइए। थैंक यू, वेलकम। ये भाई देखिए, ये तरह तरह की यहाँ पे मिठाई दिखी है मुझे, तो कोई एक आधी ट्राई करते हैं। हलवा भी है, अपने पंजाब का हलवा भी है यार। तो यार दुकान में भाई दाल और रोटी भी थी, एंड इसके बाद गुलाब जामुन खाएंगे। तो फिलहाल मैं यार यहाँ पे दाल और रोटी खा रही हूँ। नहीं, कल कॉक्स बाजार। कल कॉक्स बाजार, इतना टाइट शेड्यूल। अच्छा, दो दिन आके हमारा घर में एक टाइम का खाना खाएगा। दूरस बाद में हम लोग का रोजा शुरू हो जाता है। हाँ। दिन में हम लोग कुछ नहीं खाता है। अच्छा, रमादान शुरू हो गया। हाँ, रमादान शुरू हो जाए दो दिन बाद है। हाँ, हम लोग आज कुछ नहीं खा रहे, इसीलिए तुम जब नाम क्या आपका? मोहम्मद। सलाम। मजाक कर रहे हैं भाई यहाँ पे सारे। हेलो भाई, सब कोई हाय बोल के जा रहे हैं कैमरा को। गजब। भाई ब्लॉग वीडियो बना ना। हाँ। चल नाम कुछ बोलना है? नहीं, दो फोन है, मैं सब्सक्राइब कर देती हूँ चैनल। नो नहीं, ओके। चैनल का नाम कुछ है और फिर सब्सक्राइब करने के लिए उनके पास फोन नहीं था। वीडियो बनाओ, ब्लॉग वीडियो। ऐसे मार्केट का बाजार, बाजार का वीडियो। तू भी इंडिया? हाँ। तू भी बांग्लादेशी? हाँ। इधर क्या बिक रहा है यार? इधर पान बन रहा है जनाब। ये देखिए, ये पान की दुकान लगाई हुई है इन्होंने। फोन लाए, रुको। सही है जनाब, यार ले आए फोन। इंडिया में आया। इंटरनेट नहीं? अच्छा, चलो पासपोर्ट। ये मैंने लिख के भाई स्क्रीनशॉट दिलवा दिए यहाँ पे, यूट्यूब नाम अपना सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू। जाओ पाला वाला। सलाम। हां जय प्रजी भाई, जाओ। वो भाई अपना फोन स्पेशली लेके आया जनाब, आईडी पूछने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। ये भाई बाजार, वाह यार। इधर एक और पान की दुकान भाई। बांग्लादेश में बहुत सारे पान, उड़ीसा चले जाओ, छत्तीसगढ़ चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, म्यांमार चले जाओ, पान का भंडार होता है। म्यांमार में तो भाई लड़कियां भी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे खाती हैं। ये भाई यहाँ पे अमरूद दिखे हैं। वो जो चैनल है ना, उसका नाम क्या? मैं एक फोन है आपके पास? हाँ। मैं बता देती हूँ, सोचो वापस चलते हैं हम। एंड सामने यार आंटी दिखे मेरे को साड़ी में, तो ये आंटी हो सकता है कि बांग्लादेशी हिंदू। एक और आंटी दिखे भाई साड़ी में फाइनली। हाँ, यहाँ पे हल्का फुल्का कपड़े से भी आप रिलीजन का डिस्टिंक्शन रख सकते हैं। चलते हैं यार होटल की तरफ, अब फिर रात को देखते हैं, खाने पीने के लिए बाहर निकलेंगे। ये तो सिर्फ यहाँ पे बाजार के नज़ारे हैं जनाब।
और मेनली होलसेल टाइप का एरिया था ये, शॉपिंग वॉपिंग और कपड़ा मार्केट का एरिया शायद अलग होगा। यहाँ पे कपड़ों का बाजार ज़्यादा नहीं दिखा है। चलिए जनाब यार वापस चलते हैं होटल की तरफ एंड रात के नज़ारे देखते हैं। वो भाई मतलब इस मार्केट में इतना शोर शराबा है ना, अलग ही सीन था जनाब। और जिस एरिया में मैं रह रही हूँ उस एरिया का नाम है विजयनगर। तो इन लोगों को एक होटल 71 है वहाँ पे, ठीक है, उसकी फ़ोटो दिखाओ और विजयनगर बोलो तो इन्हें समझ आ जाता है। एंड बाकी घर चल के ट्रेन की टिकट का देखते हैं क्या सुनते हैं।